गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम रितु कौशिक, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम RPIT कैंपस करनाल। टुडे इज आवर टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ सेडिमेंट्स एंड डेपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स रॉक्स कौन सी होती हैं और इसके जो टाइप्स हैं, हमने क्लास्टिक एंड द नॉन क्लास्टिक लास्ट वीडियो में हम इनको कवर कर चुके हैं। देन उसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड पार्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सेडिमेंट। जब वेदरिंग एजेंट होते हैं, जो विंड है, आइस है या फिर वाटर है, जब पहले से ही जो रॉक हमारे पास अवेलेबल है उस पर प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर लगाने के बाद फिर क्या प्रोसेस होती है हमारी, उसमें चेंज होगा, कुछ ना कुछ स्मॉल पार्टिकल में वो टूट जाएंगे, उसके बाद क्या होता है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, द डेट्रिएट्स प्रोड्यूस, यानी जो मतलब कि ब्रोकन जो पार्टिकल्स होते हैं, जो टूट चुके हैं, ठीक है। डेट्रिएट्स का मीनिंग क्या है, जो फोर्स की वजह से जब ओरिजिनल जो हार्ड रॉक है वो छोटे छोटे पार्ट में टूट चुकी है, तो फ्रॉम द डीके एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द प्री एग्जिटिंग रॉक फॉर्म द सोर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो ये किसका सोर्स बनती, सेडिमेंट्री रॉक का। बट इट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्ट टू ए सुटेबल प्लेस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन अगेन इंटू ए रॉक मास। द विंड, रनिंग वाटर एंड आइस इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर आर द वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कॉमन एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कैरिंग मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ सेडिमेंट एंड पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इंक्लूडिंग सीज एंड ओशियन, ठीक है। जैसे विंड है हमारे पास, या फिर रनिंग वाटर है, या फिर आइस है, तो ये सारे क्या करते हैं, ये वो एजेंट, ये एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट एजेंट है, जो कि बहुत सारे मिनियल्स टन में हम कह सकते हैं सेडिमेंट पार्टिकल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। द विंड ट्रांसपोर्ट द सेडिमेंट फ्रॉम द प्लग्ड फील्ड, जो हमारे जुताई वाले खेत होते हैं, तो सॉइल वहाँ से क्या होती है, जैसे ही आंधी आती है तो बहुत सारी सॉइल क्या हो जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है। एंड डिजर्ट होते हैं, रेतीली जो जगह होती है, ड्राई लैंड होती है, इन सीरीज ऑफ जंप एंड द सस्पेंशन मोड्स। तो विंड हमारा कौन सा पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट करती है, जो डिजर्ट एरिया है, या फिर ड्राई लैंड है, या फिर प्लग्ड फील्ड है। दीज लोड ऑफ सेडिमेंट्स आर ड्रॉप डाउन वेयर आवर इंटरसेप्टेड बाई रेन। द माइटेस्ट एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सेडिमेंट आर ऑफ कोर्स स्ट्रीम एंड रिवर्स। जो सबसे एक प्रकार से मेन है, जो बड़ा रीजन है ट्रांसपोर्ट का, वो क्या है हमारे पास, स्ट्रीम एंड रिवर। द रनिंग वाटर बॉडीज ट्रांसपोर्ट द सेडिमेंट लोड एज बेड लोड, सस्पेंडेड लोड एंड डिजॉल्व लोड आर डम्प्ड एट द सेटलिंग बेसिन, ठीक है। जो रनिंग वाटर क्या करता है, जैसे इसकी तली में कुछ पार्टिकल्स बैठ जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स पानी के साथ साथ फ्लो करते हैं, ठीक है, कुछ उसके अंदर घुल जाते हैं, जो सस्पेंशन पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जहाँ पर वेलोसिटी कम होती है वहीं पर वो क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेपोजिशन। डेपोजिशन में क्या रहेगा, जैसे ही वेलोसिटी कम होती है, विंड की है, वाटर की है, तो वहीं पर डेपोजिशन प्रोसेस हो जाती है। द सेडिमेंट आर प्रोड्यूस थ्रू वेदरिंग एंड इरोजन आर ट्रांसपोर्ट टू सेटलिंग बेसिन। दिस बेसिन में भी लोकेटेड इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, सच एज ऑन द कॉन्टिनेंट्स, अलोंग द सी सोर्सेज और इन डीप सी इन्वायरमेंट। एज सच सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड इन डिफरेंट इन्वायरमेंट विल शो डिफरेंट इनहेरेंट करैक्टर, ठीक है। डिफरेंट इन्वायरमेंट में सेटलमेंट होगी इनकी, तो इनकी करैक्टरिस्टिक भी डिफरेंट ही रहेगी। इन द कॉन्टिनेंटल इन्वायरमेंट में भी इंक्लूड द ग्लेशियर डिपोजिट, द फ्लूवियल डिपोजिशन, द ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिशन एंड द एलुवियल डिपोजिशन, ईच टाइप गिविंग राइज टू ए डिफाइंड टाइप ऑफ सेडिमेंट अकोमोलेशन। इन द मैराइन डिपोजिट सम सेडिमेंट में बी ड्रॉप्ड जस्ट अलोंग द सी सोर्स और सम सोलो डेप्थ विद इन द सी और माइल अवे इन द डीप सी इन्वायरमेंट, ठीक है। वैसे भी नॉर्मल सी लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे कि डेपोजिशन किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। जैसे ही विंड वेलोसिटी या फिर वाटर की वेलोसिटी हमारी कम होती है, पानी रुक जाता है, वहीं पर जो पार्टिकल्स होते हैं रोक के, वो वहीं पर रुक जाएंगे, वहीं पर उनका डेपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द सेडिमेंटरी रॉक।